मंत्र जप गायत्री मंत्र का जप करते वक्त इन बातों का रखें विशेष ध्यान। हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मंत्र के रूप में जाना जाता है। वही वेदों में गायत्री मंत्र को जीवन के लिए बहुत ही खास और फायदेमंद बताया गया है। वेदों की कुल संख्या चार है और इन चारों वेदों में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। वेदों के मुताबिक अगर आप रोजाना 3 बार इस मंत्र का जप करेंगे तो आसपास नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं आएगी। नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी, विद्यार्थी हो या घरेलू महिलाएं, गायत्री मंत्र का जप सभी लोगों के कष्टों को दूर करने वाला है। वही विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही लाभदायक साबित होता है। रोज इस मंत्र का 108 बार जप करने से विद्यार्थी को सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जैसे पढ़ने में मन नहीं लगना, याद किया हुआ भूल जाना, शीघ्रता से याद नहीं होना। वही व्यापार, नौकरी में हानि हो रही है या कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है और आमदनी कम है, व्यय अधिक है, तो गायत्री मंत्र का जप लाभकारी साबित हो सकता है। जानिए गायत्री मंत्र का अर्थ। मंत्रोन भूर्भुव सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमीश्वर भू - प्राण स्वरूप भुव - दुख नाशक सुः - सुख स्वरूप तत् उस सवितु - तेजस्वी वरेण्यं श्रेष्ठ भर्ग - पाप नाशक देवस्य दिव्य धीमहि धारण करे धियो बुद्धि यो जोन - हमारी प्रचोदयात् प्रेरित करें। मंत्र जाप के समय इन बातों का रखें ध्यान। बता दें कि गायत्री मंत्र का जप करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गायत्री मंत्र को पढ़ते वक्त सही स्थिति में बैठना चाहिए। किसी आसन पर बैठकर ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से लेकर सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर करना चाहिए। अगर माला से गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हैं तो 108 मंत्रों की माला को रखें।